हाय गाइस, मैं हूँ सोनम और हम सब आज शादी में आए हैं। एक्चुअली वाराणसी आए थे, बनारस आए थे, उसके बाद शादी में आ गए बक्सर। और मौसी की बेटी की शादी थी, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे शादी, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है यहाँ पे। और मेरी नॉमी अभी कितनी रात पे होने वाले हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ। और बहुत सारी शॉपिंग भी अभी करनी बाकी रहेगी हमारी, क्योंकि वाराणसी घूमने के चक्कर में हमने शॉपिंग भी प्रॉपरली नहीं की, तो हम शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। और यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है, बहुत सारी तैयारियाँ चल रही है, तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर भी करूँगी। तो बस देखिए मेरा पूरा ब्लॉग और इन्जॉय कीजिए आप सब। और डांस तो प्रॉपरली हम लोग करने वाले हैं, तो काफ़ी डांस भी होगा। मैं प्रॉपरली आपको डेकोरेशन दिखाने वाली हूँ। और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर लेना, ये तो हमेशा की बात रहती है, क्योंकि कोई भी जो कोई भी मतलब आई मीन यूट्यूबर है, वो चाहता है कि उसके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसके व्यूज़ आए, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें आपसे शेयर कर सके सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स कर लेना, हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ सारी बातें शेयर करके। और देखो फ्रेंड्स, मैंने ये नेल पर्पल कलर का शेड लगाया है, नेल पेंट, और ये नेल्स भी मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा सा ग्रेसफुल है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है मुझे। और तो यहाँ पर लगाई जा रही है मेहंदी, तो सारी तैयारियाँ चल रही थी और मेहंदी लगाई जा रही थी, सभी ने मेहंदी लगवाए थे, बट मैंने सोचा मैंने मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई थी, शॉपिंग करने में चली गई थी और रात को तैयार भी होना था, तो इसकी वजह से। और ये देखो, यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन किया गया था, जबकि ये शादी घर से की गई थी, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन था और बहुत सारे लोग भी आए थे। और ये गाड़ी मेरी मासी ने मतलब अपनी बेटी को गिफ्ट की है, क्योंकि मतलब उनका शौक था कि वो इस उनकी बेटी इस गाड़ी में ही जाए, तो उन्होंने ये उनको गिफ्ट की थी। और यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन भी है, और ये देखो दूल्हा दुल्हन भी बैठे थे। और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई एक चीज़, कि ये ना यहाँ पे जयमाला का रस्म मतलब निभाई जा रही थी, और ये जिस चीज़ पे खड़े हैं ना, वो रोल करता हुआ ऊपर की तरफ गया, और वहाँ पर ये चीज़ें की गई काफ़ी ऊपर में, और क्योंकि ये जिस पे खड़े थे, तो इसे काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया। तो ये बहुत ही ट्रेंड चल रहा है अभी बिहार झारखंड में, और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था, मतलब एक बड़े अच्छे होटल जैसा ये डेकोरेशन है। प्रॉपरली आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा, कितना सुंदर और कितना प्यारा सा डेकोरेशन था। और दूल्हा दुल्हन भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो आप देखो, इसे इन्जॉय करो तब तक, और फिर मैं बाकी की बातें अभी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरा आप देखना। बिहार की शादी, और यहाँ पर काफ़ी मस्ती की जाती है, अलग अलग तरह से डांस किया जाता है, भोजपुरी गाने पे भी डांस किया जाता है, पंजाबी गाने पे भी डांस किया जाता है, हिंदी गानों पे भी डांस किया जाता है, मतलब ये ना पूरे इंडिया के जितने भी गाने हैं ना, सब पे डांस कर लेते हैं लोग यहाँ पे।
और काफ़ी मस्ती करते हैं। तो ये हमारी मासी हैं और वो भी काफ़ी डांस कर रही थी और सभी लोग काफ़ी मस्त हैं, अपने आप में बिंदास हैं और फुल डांस कर रहे हैं। और मैंने भी काफ़ी डांस किया, हालांकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी मैंने काफ़ी डांस किया, बहुत ही मज़ा आया। और आई होप ऐसी शादी फिर से मिले मुझे अटेंड करने के लिए। बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे मेरे और बहुत ही क्यूट क्यूट फ्रेंड्स थे मेरे और मैं बहुत खुश हुई इस बात से कि वहाँ जाने का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहा मेरे लिए कि वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए। पूरी शादी में मम्मा अलग ही लग रही थी, क्योंकि इनका मेकअप और जो ड्रेसअप था वो बहुत ही यूनिक लग रहा था, बहुत अच्छा सूट दे रहा था। और काफ़ी लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरह से डांस किया, बहुत ही मज़ा किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बिहार की शादी है और मैंने आपको प्रॉपरली बिहार की शादी से रूबरू कराया है। खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो आगे वीडियो में बने रहे और सारी वीडियो देखें। वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखे हैं, आप जितनी भी खाने पीने की चीज़ें थी वो, तो शॉर्ट्स वीडियोस भी आप चेक कर लें और सारी वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, खाने पीने की चीज़ें क्या क्या थी वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हुई, तो प्रॉपरली पूरा वीडियो चेक कर लें आप, शॉर्ट्स वीडियो चेक कर लें आप, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे लग रही है भूख और मैं चलिए अब नूडल्स खाने और ये चाउमीन खाने, तो सब्सक्राइब कर लो।